प्रकृति ने दुनिया के सभी जीवों को अलग अलग बनाया है और उसके साथ ही हर जीव को अलग अलग हुनर से नवाजा है। जैसे कि कुछ विचित्र जानवर सिर्फ रात में ही एक्टिव रहते हैं और शिकार करते हैं। अगर हम रात में जागने वाले जानवर या पक्षी की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उल्लू का ही नाम आता है, मगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उल्लू के अलावा इस दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो सिर्फ रात में एक्टिव होते हैं। फिर वो चाहे शिकार को ढूंढना हो या फिर अपने खाने के लिए इधर उधर घूमना हो, इनके सारे जरूरी काम रात के अंधेरे में ही पूरे होते हैं। ऐसे में दिन में शिकार करने वाले जानवरों के लिए इनका शिकार करना बहुत ही चैलेंजिंग भरा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जानवर अपनी कमाल की हंटिंग स्किल्स के चलते ऐसे जानवरों को ढूंढ निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे। वैसे तो सूरज की रोशनी दुनिया भर के जीवों के लिए ऊर्जा और जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। दिन के उजाले के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मगर फिर भी इस धरती पर कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके लिए रोशनी में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो रहने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ वे दिन की चकाचौंध और इस रोशनी से खुद को बचा सकें। ये कहावत तो हम सब ने सुनी होगी कि हर चीज की अति बुरी होती है। सूरज की रोशनी भले इस धरती के जीवों को जीवन देने में सबसे अहम रोल प्ले करती हो, मगर गर्मियों में यही रोशनी लोगों की स्किन को जलाने लगती है। तभी हम इंसान इससे बचने के लिए सनग्लासेस, सनस्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मगर बेचारे जानवरों के पास सनग्लासेस वाला ऑप्शन तो होता नहीं है। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां अंधेरा और छांव हो, जैसे कि मछलियां। मछलियों में सनबर्न का इतना बुरा प्रभाव देखने को मिलता है कि इससे उनकी मौत भी हो जाती है, इसलिए ये ज्यादातर पानी की गहराई के अंदर ही रहती हैं। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का इन मछलियों की आंखों पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि दिन में उन्हें देखने के लिए छांव की जरूरत पड़ती है। बिना छांव के ये पानी के ऊपर ढंग से देख ही नहीं पाती, और इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं चालाक ब्लैक हेरॉन। अफ्रीका और मेडागास्कर में पाया जाने वाला ये पक्षी अपनी हंटिंग स्किल्स के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। मछलियों को बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करने में तो जैसे इन्हें कोई महारत हासिल कर रखी हो। वैसे तो मछली पानी की सतह में आने से बहुत ज्यादा डरती हैं, क्योंकि वहां सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं, और इसके साथ मछलियों को इस बात का भी डर होता है कि कहीं कोई शिकारी जानवर ना आ जाए। मगर ब्लैक हेरॉन को इनकी इस आदत के बारे में फलीभांति पता होता है, इसलिए वो इनको अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी सूझबूझ और चतुराई से जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पक्षी के पास अपने पंखों को अम्ब्रेला की शेप में फैलाने की अमेजिंग स्किल होती है। ये जब भी किसी मछली को शिकार करने के लिए जाते हैं तो किसी तालाब या नदी के ऊपर खड़े होकर अपने सिर को झुकाते हैं और अपने शरीर के चारों तरफ पंखों को फैलाकर शैडो बनाते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल किसी पेड़ की छांव की तरह लगती है। पानी के अंदर रह रही मछलियां ब्लैक हेरॉन के षड्यंत्र को समझ नहीं पाती और पानी की सतह में छांव को देखकर उसके अंदर आने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो इस शेड के नीचे आती हैं, ब्लैक हेरॉन एक झटके में उन्हें जकड़ लेता है। लंबी टांगों और बड़ी चोंच वाला यह पक्षी दिखने में भले ही आपको एक नॉर्मल वेडिंग बर्ड्स जैसा लग सकता है, मगर इनके शिकार करने की अमेजिंग टेक्निक इन्हें बाकी पक्षियों से बहुत अलग बना देती है। आपने हेरॉन्स की कई तरह की प्रजातियां देखी होंगी, मगर ये बाकी की प्रजातियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। पीले और नारंगी पैरों को छोड़कर पूरे शरीर का रंग ब्लैक होता है। इन ब्लैक हेरॉन्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे वो ये है कि इनके पीले और नारंगी पैर मेटिंग के दौरान चमकीले लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रजाति की फीमेल बर्ड्स अक्सर मेटिंग के लिए हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हेरॉन्स का ही चुनाव करती है, जिससे उनके बच्चे भी हेल्दी पैदा हों। पुरुष और मादा दोनों ही अपने अंडों का बराबर से ध्यान रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ब्रीडिंग के दौरान ये पानी के ऊपर पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये पक्षी आपको सिर्फ तालाब और नदी जैसी जगहों में ही देखने को मिलेगा, जहाँ एक तरफ ये मछलियाँ और पानी में रहने वाले दूसरे छोटे मोटे जानवरों का आसानी से शिकार कर लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें दूसरे शिकारी जानवर जैसे उल्लू, चील और बांस जैसे जीवों से हर वक्त खतरा बना ही रहता है। इसलिए इनका बड़ा सा झुंड पेड़ों पर बने हुए घोंसलों पर ही रहता है। अब आपके मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा
कि अगर ये पक्षी इन मछलियों का इतना आसानी से शिकार कर सकता है तो दिन के उजाले से बचने वाले सारे जानवरों का शिकार करना भी इसके बाएं हाथ का खेल होता होगा। मगर ऐसा नहीं होता। दिन से बचने और अंधेरे में रहने वाले कुछ जीव इतने खतरनाक और खूंखार होते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर हम बात करें टारसियर की, जिसे इसकी विचित्र और चमकीली आंखों की वजह से जाना जाता है, ये दिखने में आपको किसी बंदर के बच्चे जैसा लगेगा, मगर इसकी आंखों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही अजीब और गरीब लगेंगी। मगर यही अजीब और गरीब आंखें इस जानवर का सबसे बड़ा वेपन होती हैं। अपनी आंखों की मदद से घने अंधेरे में भी बहुत आसानी से किसी को देख सकते हैं, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। कीड़े मकोड़े और छोटे परिंदे टारसियर की नजर से बच नहीं सकते। टारसियर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे हर चीज एक ही रंग की दिखाई देती है। रात में इनकी आंखें किसी नाइट विजन चश्मे से कम नहीं होती। इनकी आंखों का आकार इतना बड़ा होता है कि ये चाहे भी तो अपनी आंखों को इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इसलिए कहीं भी देखने के लिए इन्हें अपनी गर्दन को उसी दिशा में मोड़ना पड़ता है। इनकी एक आंख का वजन इनके मस्तिष्क के बराबर होता है। आप इन्हें अगर पहली बार देखें तो आपको ये बहुत छोटा मासूम सा दिखने वाला जानवर लग सकता है, मगर इसे मासूम समझने की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देखने में जितने मासूम और सीधे होते हैं, शिकार के मामले में इनका दिमाग उतना ही तेज चलता है। ये अपने शिकार को देखने से पहले उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं और कहीं छुप कर बैठ जाते हैं और सही मौका देख कर उन पर हमला बोल देते हैं। अपने शिकार को थर दबोचने में हाथ के पंजे इनकी बहुत मदद करते हैं। टारसियर के हाथ पैर बिल्कुल इंसानों के हड्डियों के ढांचे जैसे लगते हैं, जिनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इनके चंगुल में फंसे किसी भी जीव का उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में से एक माना जाता है। ये जानवर रात में इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि पूरी रात इधर उधर उछलते कूदते ही निकाल देता है। ये जानवर शिकार के लिए ज्यादातर ग्रास हॉपर, इंसेक्ट्स और स्नेक जैसे जीवों को चुनते हैं। टारसियर के अलावा और भी कई ऐसे जानवर हैं जिनकी आंखों की रोशनी की मिसाल कायम है। उनमें से एक है रेनडियर। आर्कटिक रीजन में पाए जाने वाले ये जानवर की आंखों की रोशनी बाकी सभी जानवरों और इंसानों के मुकाबले काफी स्ट्रांग होती है। ये सिर्फ आपको बर्फीले इलाकों में ही देखने को मिलेंगे। ये जानवर आपको हमेशा घूमते फिरते ही दिखाई देंगे। इन्हें एक जगह पर शांत बैठना बिल्कुल रास नहीं आता। इस जानवर को एक साल के अंदर 3000 मील की दूरी तय करने के लिए जाना जाता है। ये जिस बर्फीले इलाके में रहते हैं वहाँ सूरज की किरणें सबसे तेज पड़ती हैं, और जब बर्फ से टकरा कर आंखों में पड़ती हैं तो इसकी रोशनी किसी की भी आंखों में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर सकती है। और कई बार इसका दुष्परिणाम वहां रहने वाले कुछ जानवरों और इंसानों पर देखने को मिल चुका है। मगर रेनडियर एक ऐसा जानवर है जिसकी आंखों पर सूरज की इन तेज किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास सूरज की किरणों से बचने का जबरदस्त तोड़ है। इनकी आंखों का रंग बदलते मौसम के साथ परिवर्तित होता रहता है। जैसे सर्दियों में उनकी आंखों का रंग नीला हो जाता है और गर्मियों में इनका रंग गोल्डन ब्राउन हो जाता है। दरअसल वातावरण में बदलाव के कारण इनकी आंखों की पुतलियों में एक रिफ्लेक्टिव लेयर जम जाती है, जो इनकी आंखों की तरफ आती हुई सूरज की तीव्र किरणों को वापस उछाल देती है। इन्हीं लेयर्स के कारण ये सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इन किरणों का रेनडियर्स पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी इस कमाल की स्किल्स की मदद से ये जानवर अपने शिकार को भी बड़ी आसानी से देख सकता है, फिर वो चाहे कहीं भी छुप कर बैठे हों, रेनडियर्स की तेज नजरें उन्हें ढूंढ ही लेती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी जानवर के पास ये कमाल की स्किल्स हों, तो किसी भी शिकार का उससे बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट किरणों को देखना सबके बस की बात नहीं है। हम इंसानों के बस की तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंसानों की आंख के लेंस इन अल्ट्रा वायलेट किरणों को ब्लॉक कर देते हैं, मगर रेनडियर जैसे कुछ जानवरों की आंखों के लेंसेस इन अल्ट्रा वायलेट किरणों को फिल्टर नहीं करते, जिसमें कुत्तों की कुछ प्रजातियां, हेजहॉग्स और मैमल की कुछ प्रजातियां शामिल हैं। और इसी वजह से इन जानवरों की आंखों की रोशनी इतनी तेज होती है कि बारीक से बारीक चीज को देखने में इन्हें ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ती। अपनी स्किल का सबसे ज्यादा फायदा ये अपने शिकार पकड़ने में उठाते हैं। अब चाहे इनका शिकार रात के अंधेरे में छुपकर बैठा हो या फिर कड़ी धूप में अंगड़ाई ले रहा हो,
इन जानवरों की नजरों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। तो आगे से कभी भी अगर आप ऐसे जानवरों को कहीं देखें तो उन्हें हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपको कितनी दूरी से देखकर आप पर हमला बोल दें आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जानवर आपको यूं ही सड़कों पर घूमते हुए नहीं दिखने वाले। ये ज्यादातर आर्कटिक रीजन के ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ सूरज की किरणें डायरेक्ट इन पर पड़ती हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरी जगह पर इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। आज के लिए इतना काफी है, हम फिर हाजिर होंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दीजिए और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दें।